सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 7 से 8 उबले हुए आलू ले लिए हैं। कोशिश यही की है कि इंदौर वाले आलूओं का यूज़ किया जाए। जिन आलूओं के ऊपर मिट्टी लगी होती है ना, वो आलू पोटैटो बाइट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। उनमें मीठापन बिल्कुल भी नहीं होता और साथ में उनमें नमी भी नहीं होती है, बाइंडिंग करने में बहुत परफेक्ट रहते हैं। उन आलूओं को धोकर अच्छी तरह से मैंने 2 विसल लगा दिए कुकर में। उसके बाद जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएंगे फिर हम इनका इस्तेमाल करेंगे, मैश करेंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर लीजिए। आज की रेसिपी में जितनी भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं उनका मेज़रमेंट और वो चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। अब जब हमारे आलू अच्छी तरह से मैश हो जाए, याद रखें इसमें पोटैटो के बड़े चंक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बढ़िया से ये मैश होने चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ब्रेड क्रम्स, जो नॉर्मल ब्रेड्स होती है ना, वाइट या ब्राउन जो भी आपके पास हो, उसको बस मिक्सर जार में चला देंगे और ब्रेड क्रम्स हमारे बन जाएंगे। साथ ही हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 4 से 5 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर का। स्टार्टिंग में 4 चम्मच डालिए, बाद में अगर ज़रूरत लगेगी तो 1 चम्मच हम बाद में और डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। साथ ही दोस्तों हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा डालिए पहले, ज़रूरत लगेगी तो बाद में ऐड कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट बच्चों के लिए है तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च नहीं डाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने 1/2 कप चीज़ का इस्तेमाल किया है। नॉर्मल जो भी चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल हो, प्रोसेस चीज़, स्लाइस चीज़, सेदार चीज़, कोई भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको आप ग्रेट करके इसमें डालें, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसीनेस के लिए थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और मिक्स हर्ब्स। दोस्तों ये तीनों पिज़्ज़ा सीजनिंग थी, मेरे पास अवेलेबल है तो मैंने इनका इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, नमक, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, बस ये 3 चीज़ें आप डालिए, फिर भी फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। अब यहाँ पे मैंने सारी पिज़्ज़ा सीजनिंग को डाल दिया है। 1-1 टीस्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बैलेंस करेंगे फ्लेवर को। और उसके बाद इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से हाथों से आप मिक्स कीजिए, दबाते हुए, प्रेस करते हुए, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की है ना उनकी परफेक्ट बाइंडिंग हो पाए। ये देखिए परफेक्टली आप इसे दबाते जाइए और मिक्स करते जाइए। वैसे तो दोस्तों जो मैंने आपको मेज़रमेंट बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, पर कई बार होता है आलू की वजह से ये मिक्सचर चिपचिपा हो सकता है। अगर आपको लगे मिक्सचर चिपचिपा है तो थोड़ा सा आप ब्रेड क्रम्स और डाल लीजिए या फिर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डालकर इसको थोड़ा सा बैलेंस मिक्सचर सेट करेंगे। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ किस कंसिस्टेंसी का ये मिक्सचर सेट हुआ है। नॉर्मल, ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल बैलेंस मिक्सचर है। जब हम इसे शेप देंगे तो परफेक्ट शेप में आ सकता है, तो इसलिए मैंने इसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है। अब लास्ट में इसको हल्का सा मॉइस्चर करेंगे ऑयल से, तो 1 टीस्पून हमने इसमें ऑयल डाला और हाथों से इसको हल्का सा सेट कर लेंगे। हाथों में भी जितना मिक्सचर लग गया है वो इसमें मिक्स कर लेंगे और परफेक्टली इसे सेट करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो बस दोस्तों झटपट से ये मिक्सचर बनकर रेडी होता है। कभी भी घर में उबले हुए आलू रखे हों और आप इस मिक्सचर को बहुत जल्दी से बना सकते हैं। अब आप इसे टेस्ट ज़रूर कीजिएगा कि नमक कम है या नहीं, अगर लगे तो ऐड करके बैलेंस कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आज इसकी स्क्वायर बाइट्स बना रही हूँ, मर्ज़ी आपकी है। आप चाहें तो इसकी फिंगर्स बना लीजिए, सर्कल्स बना लीजिए, ट्रायंगल्स बना लीजिए, जो भी आप चाहें इसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी छोटी सी स्क्वायर वाली शेप इसे दे रही हूँ। एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस तरह से इसे शेप्स में बनाकर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके आराम से 1 हफ्ते तक खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में मतलब नहीं, फ्रीज़र में आपको इसको स्टोर करके रखना होगा, फिर जब भी आपका मन करे आप उसे फ्राई करके खा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छी तरह से गर्म हो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा हो, हीट आ रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा गर्म होना चाहिए, जैसे आप मिक्सचर डालें वो ऊपर आए इतना गर्म हो। उसके बाद हम अपने सारे पोटैटो बाइट्स को इसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक भी अच्छी तरह से सिके। अब पहले एक साइड से अच्छी तरह सिकने देंगे, हम इसे पलटने में जल्दी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि क्या ये काफ़ी मुलायम से सॉफ्ट से होते हैं, तो आप यहाँ पर जल्दी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एक साइड से बढ़िया से इसे सिकने दें, उसके बाद इसे टर्न करें।
फिर जब ये दोनों साइड से सिक जाएगा ना, फिर हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर अलटते पलटते हुए, जब तक इनका कलर क्रिस्पी क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे बबल्स देख रहे हैं ना तेल में, जैसे ही तेल में बबल्स कम होने लगे, मतलब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अगर आप और ज़्यादा फ्राई करेंगे ना तो ये तेल को सोक कर लेते हैं। तो देखिए बबल्स बिल्कुल कम हो गए हैं, तो इस स्टेज पर मैं सारे बाइट्स को बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, गोल्डन गोल्डन ब्राउनिश, और कितने अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं ये। बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से चीज़ी होते हैं। तो बस भाई ये बढ़िया से रेडी हो चुके हैं गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। साथ ही मैं आज आपको एक छोटी सी सॉस बता देती हूँ जो नॉर्मली हम बनाते हैं इस पटेटो बाइट के साथ। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच वेज मायोनीज़ के ले लिए हैं, साथ ही 2 बड़े चम्मच सेजवान चटनी के ले लिए हैं, और इन दोनों को हम कर लेते हैं बढ़िया से मिक्स। तो दोस्तों ये हमारी सॉस बन चुकी है जो हम इस पटेटो बाइट के साथ सर्व करेंगे, और ये सॉस पटेटो बाइट के साथ बिल्कुल मैच होती है, एकदम परफेक्ट जाती है। तो ये देखिए बढ़िया से हमने इसे मिक्स कर लिया, और लास्ट में इसे सर्व करने से पहले आप इसके ऊपर चाट मसाला डालें और ये गर्मा गर्म रेडी। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए एकदम झटपट सी रेसिपी है, बहुत ही आसान सा तरीका है मिक्सचर बना के। आप चाहें तो बाइट्स बना के भी रात को रख सकते हैं और बच्चों को सुबह सुबह टिफ़िन बॉक्स में फ्राई करके दे सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।